हम अधिकार रखते हैं अपने आपे पर।, पर कोई है जो हमें इंस्पायर करता है खाले खाले कुछ नहीं होता और यदि आपने उसको रिस्पांस दिया तो आप जरूर खाइएगा यदि आप कहिएगा लिखा है फालतू की बात नहीं करने का आदम की मजबूरी थी ईशु के सामने नहीं थी यही तो एक बात मेरे प्रियो, आदम गिर गया और यशु खड़े रहा उन्होंने कोई कसरत करके आ शैतान इन द नेम ऑफ जीसस जीजस ऐसा करके कोई लड़ाई झड़ाई नहीं की थी सारी लड़ाई का एरिया यही है यहीं से आवाज सुनी जाती है यहीं से आवाज के आधार पर निश्चय किया जाता है और इसी से निश्चय की गई बात को काम में बदलने के लिए पांचों इंद्रियों को आज्ञा दी जाती है इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने दिमाग में अलर्ट रहे ईशु के समान जागते रहे और उसके दिमाग में वचन का ज्ञान रहे और उसके मन वचन के अनुसार काम करने में निश्चय रहे तो वह कई विपत्तियां जो आने वाली हैं उसको आने से पहले ही अपने दरवाजे से बाहर कर सकता है और वह पाप में गिरने से अपने आप को बचा के परमेश्वर की महिमा में बना रह सकता है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो बात हमारे मन में डालता इसलिए आप सब लोगों की एक सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जब कभी भी कोई विचार हमारे दिमाग में आए तो प्रभु के पैटर्न को इस्तेमाल करें, है ना जब उसके दिमाग में विचार आई अब यहां पर शैतान कहाँ गया बोलते यीशु मसीह के पास तो यशु मसीह के पास शैतान गया तो बिल्कुल काला काला बड़े बड़े दांत, तो ओनिडा के समान सिंग है ऐसा कर रहा होगा ऐसी कोई कल्पना ईशु के साथ नहीं थी उसको कुछ दिख वगैरह नहीं रहा था काला काला आदमी गाल में भी बाल हैं ऐसा कुछ विजन वगैरह नहीं था उसको वो सिंपल साधा बैठ करके चालीसवें दिन के बाद सोच रहा था फोर्टी डेज इज कम्प्लीटेड नाउ अब मुझे नीचे जाकर के भोजन पान करना चाहिएगा ऐसी कल्पना कर रहा था बस इसी कल्पनाओं के बीच में एक और दूसरी कल्पना आ गई जरा ध्यान दीजिएगा इसी कल्पना के बीच एक दूसरी कल्पना आ गई और उस कल्पना में अपनी कल्पना का फुलफिलमेंट था जब तुझे भूख लगी गई है तो रोटी तो बनाना पड़ेगा ना तो क्यों ना आज आपके पास पावर है लिखता है तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं अरे जो यीशु पानी को दाखरस बना सकता है वो तो पत्थर को रोटी बना ही सकता था ना आखिरकार यीशु ने काना के नगर में पानी को दाखरस में बदला ना तो यहां क्या प्रॉब्लम था उसको पत्थर को रोटी में बदलने के लिए वो तो क्रिएटर है ना वो जो बोल देता वो हो जाता ना स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुझे दिया हूं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला भी अधिकार मैं पुनरुत्थान हूं पवित्र आत्मा जब मिल ही गया है तो तेरे पास तो सब कुछ है ना प्रभु परंतु प्रभु ने अपनी कल्पनाओं में आई कल्प अपने मन में आई कल्पनाओं का परीक्षण किया बहुत सावधान रहिए आप अपनी कल्पना अपने मन में आने वाली कल्पनाओं का उसने परीक्षण किया ही वॉज एग्जामिनिंग हिस्थॉट्स फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग वो आ कहां से रही हैं इसके लिए आपके पास धीरज और वक्त होना चाहिए हाँ, यदि हमारे मन के अंदर में आने वाली बातें परमेश्वर की ओर से हैं तो वह परमेश्वर के वचन के अनुरूप आएंगे और यदि कोई दुष्ट हमारे दिमाग में बात डाल रहा है तो वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वाला ही मामला होगा सो लेट योर थॉट्स में बी एग्जामिंड उसकी परीक्षा करो और यदि विचार परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं if there is something against the word of God then it is our responsibility to recognize that the things is not coming from above but it it's coming from the mid heaven and the king of this world is going to operate your life and he wants to put the thoughts to commit the sin against the God's word aisa karke aapke ke andar apni kalp dalna chahega yadi response तो आप फल जरूर खाइए ये जरूर पत्थर को बोल देता चलो भाई रोटी बन जाओ मंदिर से जरूर नीचे गिर जाता ऐसा भी था कि स्वर्गदूत उसको झेल लेते पहाड़ में चढ़कर दुनिया की कल्पना करने वाला यीशु ये कह सकता था एक ही बार तो सलाम ठोकना है कौन सा कान पकड़ के दस बैठक मारना है उसे परमेश्वर के पुत्र होने का बहिष्ठ के अधिकार से उसको बहिष्कार कर दिया होता याद रखिएगा। यहां हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने आप में आने वाली कल्पनाओं का परीक्षण करें आपकी विचारधाराएं परमेश्वर के वचन के अनुसार है या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी होनी चाहिए यदि तुम दुष्ट को हराना चाहते हो तो उसको आपसे ज्यादा बाइबल मालूम है फिर से सुनो यदि आप दुष्ट को हराना चाहते हो तो आपको यह मालूम होवे कि उसको आपसे ज्यादा बाइबल मालूम है और यदि आप उसको हराना चाहते हो तो जैसे उसको बाइबल का ज्ञान है उससे ज्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपको इकट्ठा करना है और यदि आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान को अपने दिमाग के अंदर में रखेंगे तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वचन में क्या लिखा है क्योंकि यीशु ने कहा लिखा है तीनों जगह लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना लिखा है लिखा है तू केवल परमेश्वर को सिद्ध करना यदि प्रभु को यह मालूम नहीं होता तो वो तो पहले ट्रैप में हार गया होता If you want to win the win the battle against the demonic influences, that is your first responsibility to know what the word of God says for your personal life. आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसकी याददाश्त हमारे लिए बहुत जरूरी है और जो परमेश्वर के वचन को याद नहीं करते हैं केवल वही लोग भटकते हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन को जानकारी मिलने के बावजूद भी मन बहाव में बह जाता है तभी आपसे गलती होती है इस प्रकार से आप हार जाएंगे सो पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले कि वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर अधिकाई से बसने पाए और दूसरी चीज निश्चय करने से पहले कि विचार आ कहां से रहे आपके पास धीरज हो और आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें और उसके अनुसार अपनी कल्पनाओं को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करें तो आप जयवंत से भी बढ़कर के हो जाएंगे